हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम खेलने जा रहे हैं ब्लैक मिथ वुकोंग चैप्टर 3। अब पिछली वीडियो में क्या हुआ था कि मैंने नो नेबल को हराया था बड़ी मुश्किल से। वो मिनी बॉस था, मैं उसे हरा नहीं पा रहा था कि मतलब कैसा गेमर हूँ भाई, मैं उसे हरा क्यों नहीं पा रहा। तो अभी मैं आ चुका हूँ टेम्पल में। मेरे को पता चला था कि भाई मेरे को ना इस टेम्पल वाले एरिया पर आना है। अभी तक हमें वो पिगी मैन मिला नहीं है, पता नहीं वो किधर है। पर आज मैं इस वीडियो में कोई बॉस फाइट नहीं करने वाला, मतलब इस टेम्पल में एक बॉस फाइट है अंदर जाके। अब वो पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं, मैं अभी तक अंदर नहीं गया। तो मैंने एक बॉस फाइट मिस कर दी है इसी चैप्टर की है, जो मैंने तुम्हें बताया था जिस एरिया में ऐसे गोल गोल घूमना था और वहाँ पे प्रिजन वगैरह भी थे जिसमें मेरे को बंद कर रखा था। तो उस एरिया में मेरे को जाना है वापस और वहाँ पे एक बॉस फाइट करनी है, क्योंकि मैंने बॉस फाइट नहीं करी वहाँ पे, मिस कर दी मैंने। बेसिकली मेरे को उस वाले आइलैंड पे जाना है जो टर्टल आइलैंड से पहला वाला आइलैंड था, मेरे को वहाँ जाके वापस लड़ाई करनी है और एक बॉस फाइट करनी है जो मैंने मिस कर दी है। तो अभी मैं माइंड ट्रैवल होने के लिए सोच रहा हूँ। नहीं, ये वाला नहीं है। हाँ, ये रहा ये रहा। अब यहाँ पे मैंने बॉस फाइट ही मिस कर दी। तुम सोचो कैसे मिस कर दी मैंने। मैं आगे चलता चला गया था क्योंकि मैं इस एरिया में डर रहा था, पर अब डरने वाली बात नहीं है क्योंकि हम काफ़ी आगे जा चुके हैं। मैं श्राइन के थ्रू इधर से उधर टेलीपोर्ट हो जाऊँगा। अभी बस मैं देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैंने क्या मिस करा, मैंने क्या छोड़ दिया। ये जो तुम देख रहे हो ना, ये गेट देख रहे हो, इस पर जो क्रॉस आ रहा है पर्पल कलर का, एक्चुअली हमें अंदर जाना है, ठीक है, ताकि हम अंदर जाके वहाँ तुम देख सकते हो वहाँ ट्रेजर वाला बॉक्स है। उस ट्रेजर वाले बॉक्स में से हमें ट्रेजर लेनी है और फिर आगे बढ़ना था। पर मैंने क्या करा, मैं डरते डरते ना आगे निकल गया, मैंने कुछ करा ही नहीं। तो अभी तो पहले मैं वो बॉस को ढूंढता हूँ कि वो बॉस कहाँ पर है। पहले इन छोटे मोटे जो भी है विलन उन्हें ख़त्म कर देता हूँ, बस काम ख़त्म। अब मुझे वो ढूंढना पड़ेगा। पहले तो मैं एक पूरा राउंड लूँगा अच्छे से और फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो मेरे को पता चल गया है कि वो सीक्रेट बॉस कहाँ पे है। मेरे को वापस श्राइन पे जाना पड़ेगा, मेरे को याद आया। ठीक है, ओके। मेरे को पता चला कि यहाँ जब श्राइन पे हम ट्रैवल करते हैं तो ये अपर पगोड़ा पे जाना था हमें। भाई पकोड़ा ही रख देते हैं इसका नाम, ये पगोड़ा क्या रखा भाई। यहाँ पे है वो सीक्रेट बॉस वाली जगह। ध्यान से भाई प्लीज़ हैं, ध्यान से भाई। तो ये रहा वो हमारा सीक्रेट बॉस। जाके मार लो भाई इसे, सब मारेंगे। ओ अनएक्सपेक्टेड अटैक। ओए 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 ओए, अरे यहाँ से फक फक ओ फक भाई, ये क्या कर रहा है। चलो बस मैं भूल जाता हूँ कि मेरे पास कुछ ऐसी गंदी ट्रिक भी है कि इसे घुमा के रख दूँ।
भाई से मारना हार्ड है भाई। वो क्या बंदा है ये, लेजर अटैक कर रहा है भाई बंदा। इसे करने दो, क्या करना चाह रहा है ये। अब वैसे भी ये मार ही दूंगा मैं इसे। यस गया, क्या कर लेगा, हट यहां से। एक बार ही भरा मैं तेरे से, दूसरी बार तो मैं समझ गया भाई तेरे को क्या करना है। अरे नॉर्मल हो जा भाई मेरे। तो कोई सोल वोल मिलेगी मेरे को इसकी, यहाँ पे इतनी लाइट सी क्यों है, सोल थोड़ी ना यहाँ पे। भाई ये मर गया, इसकी सोल नहीं थी। ओके इधर से कोई रास्ता भी जा रहा है, मैं बता दूँ अभी कोई भी मेरे से लड़ने नहीं आना चाहिए। मेरी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं नहीं लड़ सकता अभी किसी से। ठीक है भाई, बॉस फाइट ख़त्म कर दिया हमने। तो अब ऐसा करता मैं वापस श्राइन पे ही जाता हूँ, है ना, वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं फर्स्ट श्राइन से पूरा ऊपर नीचे घूमता हूँ और अच्छे से एक्सप्लोर कर लेता हूँ। हेल्थ नहीं है मेरे पास, अगर मैं गिरा तो मैं गिर ही गया समझ लो। अब यहां से कहां जाऊं मैं। बहुत ताकत आ गई देर में, फर्स्ट फ्लोर पे आ गया मैं घूम फिर के। हमने खत्म कर दी अपनी बॉस फाइट, अब बस हमें यहाँ पे लूटना है। ओ ये रहा, ओ बड़ा बॉस। सॉरी भाई मेरे में स्टैमिना नहीं था तो मैंने ये नहीं कर पाया जो अभी करके दिखाना चाहता हूँ। ले यार चली गई मेरी पावर। भाई स्पेल बाइंडर तुम्हारी वो बढ़ा देता है, सही है भाई ये बंदा, मतलब जो भी ये स्पेल है।
अब यहाँ से लूट के निकल लेता हूँ बस। अरे ये रहा ना, बात कर इससे। ओ इट्स यू, यू आर स्टिल अलाइव। अबे मंकी किंग नहीं हूँ मैं, मेरे को सब मंकी किंग समझ रहे भाई। मंकी किंग हुई नहीं मैं, मैं बस समझ लो उसी का एक। उसके बुआ का लड़का हूँ मैं बस, इतना समझ लो। I got rid of my eyes and ears to shield myself from these beguiling chants. इस वक्त तो विलेन मेरे को यही लग रहा है। With that relic, Yellow Brown now harbors greater desires than ever. अगर तू ऐसी पढ़े रहने वाला है तो भाई तू पढ़ा ही रहते, क्योंकि मैं तो ये सोच के आया था कि तू एक विलेन है, पर ठीक है। हाँ यहाँ पे तो हो गया ना। अबे कितनी बात करूँ मैं उससे। With that relic, with that relic, Yagwise fell in it. What kind of you? I can save no one. A misstep of yours, he might be. A misstep of he might. बस ठीक है, निकलते हैं यहाँ से, बहुत हो गया। अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये तो बहुत छोटा सा ही था कि हमने उसे हराया, ढूंढा, क्यों ना हम अंदर जाके एक बार ही चेक ही कर लें कि क्या है। बट इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इस वीडियो में मैं ये करना नहीं चाह रहा, मुझे सही नहीं लग रहा अभी करना, क्योंकि आज हमने बहुत मेहनत करी। आज हमने उसे ढूंढा, सीक्रेट बॉस को, हमें यही नहीं पता चल रहा था कि सीक्रेट बॉस वहीं है, बस मैं मिस कर रहा था वो जगह, ठीक है। और ये हर बार ही होता है, कोई ना कोई जगह मैं मिस कर देता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ, फिर बाद में याद आता है कि कोई किसी से तो लड़ना था। यहाँ पे भी वैसे वो बड़े बड़े बॉस थे। अच्छा पिछली वीडियो में क्या हुआ था, मैंने ये बोला था बहुत जॉइंट थे वो बॉस, असल में कुछ मतलब जॉइंट ही थे वो, उनकी हेल्थ जो नॉर्मल छोटे मोटे एनिमीज होते हैं ना, जो चेले होते हैं, वो थे, बस वो जॉइंट थी उनकी बॉडी और ज़्यादा कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाई, सीधा आगे बढ़ गया मैं, कुछ ज़्यादा आ नहीं उस पर वीडियो बनाने का मतलब। और अब आज की वीडियो के लिए बस इतना ही गाइज। आज हमने सीक्रेट बॉस को ढूंढा, पूरी वो जगह लूटी अच्छे से जो हमें नहीं पता थी कि ऐसे लूटनी है। मैं तो बस आगे बढ़ रहा था, मुझे पता था कि वहाँ पे कुछ होना है, पर प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि मैं स्ट्रांग नहीं था, कि मैं क्योंकि वहाँ पे जो चेले थे ना वो भी ज़्यादा स्ट्रांग थे मेरे से, तो मैंने यही सोचा था कि मैं बाद में जाऊँगा वहाँ पे लूटने, पहले मैं आगे बढ़ लेता हूँ, यहाँ से निकल लेता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ का मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था उस टाइम। तो अब बस ऐसा ही करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा और जाके देखेंगे हम अंदर कि अंदर क्या है, हो सकता है ये फाइनल बॉस हो इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत लड़ाई लड़ ली यार मैंने, अब नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि अब कोई और आगे बॉस आना चाहिए इसके बाद। हाँ इसके बाद आगे कोई बॉस आना चाहिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।